हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें गिराने की प्रक्रिया सोमवार को शुरू कर दी गई है। वक्फ बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने दोपहर करीब 12:30 बजे छत को उखाड़ने का काम आरंभ किया। कमेटी ने पहले वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर अवैध निर्माण को गिराने की अनुमति मांगी थी, जो सोमवार को प्राप्त हो गई। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि इस कार्रवाई के बारे में शिमला के DCSP और नगर निगम को भी सूचित कर दिया गया है। कमेटी का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य प्रदेश में आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना है। पूरे अवैध निर्माण को तोड़ने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगा और यह कार्य मस्जिद कमेटी के स्वयं के खर्च पर किया जाएगा। जो मैंने वक्फ को लेटर लिखा था, उनका ऑर्डर मुझे आज रिसीव हो गया और जैसे हमने कहा था, भाईचारे को कायम रखने के लिए हमने कदम उठाया था, हम उस पर कायम है और हम जल्दी ही, शायद हो सकता है आज ही काम शुरू कर दें। लेबर से बात चली है और जैसे ही लेबर वाले आ जाएंगे, हो सकता है हम आज ही छत खोलना शुरू कर दें। निकले तो काम किसी को मना नहीं कर सकते, हर आदमी का अपना अधिकार है, कोई जाए ना जाए उसको तो नहीं कह सकते। और हमने तो जो हमारा स्टैंड था, हम उस पर कायम है और वक्फ बोर्ड ने परमिशन भी हमें अलाउ कर दी और हम जो है जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। अभी आज हम छत खुलवाना शुरू कर देंगे और हमें लेबर से बात कर ली और लेबर भी आने वाली है और हम छत खुलवाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेन तो फंडिंग की मेन प्रॉब्लम है। पैसा तो कोई ना सरकार देगी ना कोई पब्लिक देगी, बनाने को तो सभी दे देते हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास, हम तो अपने खुद पर्सनल जेब से ही हम अपने तो खर्चा कर रहे जी, जैसा भी होगा। बोर्ड की तरफ से मदद की जा रही है? नहीं, वक्फ बोर्ड को नहीं, खुद तोड़ेगी बस। वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही। वक्फ बोर्ड तो हमने, क्योंकि वक्फ बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। वक्फ बोर्ड ने हमें पहले ही कहा था कि अगर आप तैयार है तो हम भी आपको अलाउ करते हैं। फंडिंग को लेकर बातचीत हुई है सरकार से या किसी? नहीं, सरकार तो फंडिंग देने को तैयार नहीं है। हमारे को खुद कमेटी वालों को अपने पैसे से काम शुरू करना पड़ेगा। क्या आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म कर दिया है? हाँ, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। SP साहब से तो मेरी बात होगी, उनको तो लेटर दे दिया था। कमिश्नर साहब से भी मेरी, वो भी टूर पे गए थे, उनको टेलीफोनिकली मैंने इतला कर दिया था कि शायद आज हमारे को NOC मिल जाएगी और NOC मिलेगी तो हम जो है काम आज शायद शुरू कर दें छत खोलने का। ये कितना समय लगेगा इसके डिमोलिशन में, क्योंकि 3 मंजिला है? इसमें तो कम से कम ज़्यादा 3-4 महीने का तो टाइम लग ही जाएगा ना, क्योंकि सबसे मेन तो फंडिंग की प्रॉब्लम है। अब पैसा तो चाहिए, अब पैसा जो होगा धीरे धीरे हमारे को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया। हाँ, 2 महीने का टाइम दिया, फिर हम देखते हैं फिर आगे क्या शुरू कर दिया। आपने कहा कि NOC अभी मिलनी है? मिल गई, वक्फ बोर्ड की NOC थी, वो मिल गई मेरे को।